श्री हिंगलाज शक्तिपीठ पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चौथे दिन भी जारी रहा। कथा के चौथे दिन कथावाचक साध्वी सत्य सिद्धा ने भक्त और भगवान के संबंध को मीरा से जोड़ते हुए श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा सुनने को लेकर बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं कथा आयोजन को लेकर मंदिर को भी आकर्षक फूल पताकाओं से सजाया गया। श्री हिंगलाज शक्तिपीठ में बाबूलाल खत्री की ओर से उनकी माताजी झीमा देवी की स्मृति में आयोजित की जा रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चौथे दिन भी जारी रहा। कथा के चौथे दिन बुधवार को कथावाचक साध्वी सत्य सिद्धा ने श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा सुनने को लेकर बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रही। वहीं कथा आयोजन को लेकर मंदिर को भी आकर्षक फूल पताकाओं से सजाया गया था। कथा वाचन करते हुए साध्वी ने व्यासपीठ से कहा कि संत का मूल उद्देश्य भक्त के मन में भक्ति जगाना है। जहाँ विश्वास है वही परमात्मा है, बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 5 तत्वों से यह शरीर बना है। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, भागवत कथा के श्रवण से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा एक गंगा है जिसमें डुबकी लगा सको तो लगा लो। आज के प्रसंग में साध्वी सत्य सिद्धा ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का संगीत में वर्णन किया। कृष्ण के जन्म और कंस द्वारा वध को लेकर किए गए यत्नों के मार्मिक वर्णन से पांडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इस दौरान कथा पांडाल में नन्हे कान्हा का स्वांग भी रचा गया और कृष्ण जन्मोत्सव पर बधाइयां भी बांटी गई। कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही साध्वी सत्य सिद्धा ने भक्त ध्रुव की कथा का भी संगीतमय वाचन किया, जिससे बचपन से ही तप करके भगवान को पाया। श्री हिंगलाज शक्तिपीठ में इन दिनों तीर्थ धाम जैसा नजारा दिख रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनने सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान के जयकारे लगाकर लग रहे हैं। कथा के दौरान राधे राधे की गूंज पूरे इलाके में गूंज रही है। संगीतमय प्रसंगों के दौरान श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। बुधवार की कथा में यजमान लाल जी एवं यशोदा खत्री, गीता खत्री, प्रकाश खत्री रहे। इस अवसर पर आनंद पुरोहित, बाबूलाल खत्री, भुवनेश खत्री, लेखराज भूत, जयश्री खत्री, मनोज खत्री, हिरगिरी भजन गायक कैलाश ठाकुर सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।